है आपको भी स्मोकी आई लुक क्रिएट करना टफ लगता था जस्ट लाइक मी, सो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसी स्मोकी आई लुक जो आपको डराएगा नहीं. येस ऑफ कोर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मैग्नम ओपस एंड टुडे आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट स्मोकी आई दैट विल नॉट स्केयर यू एनी मोर. सो लेट्स बिगिन. अभी मैं सबसे पहले अपना आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ. आपको अपना आईब्रो ज़रूर बनानी है, भले ही ज़रूरी नहीं है गर्ल्स की सब लोगों की आईब्रो अच्छे से ट्रिम्ड हो, फाइनली शेव्ड हो. अगर आप टीनेजर हो सो इट्स परफेक्टली फाइन टू नॉट हैव अ शेव्ड आईब्रो. या बिलीव मी इट्स परफेक्टली फाइन. आप देख सकते हैं मेरी भी आईब्रो परफेक्टली शेप नहीं है. जस्ट मैंने क्या किया, अपनी आईब्रो पेंसिल से इसको फिल कर रही हूँ आईब्रो जेल से, ताकि थोड़ा सा कैमरा पे अच्छे से वो डिफाइंड आईब्रो दिखे. अदरवाइज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी आईब्रोज बनी है या नहीं. ये सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी आईब्रोज नहीं बनी है. इट्स परफेक्टली नॉर्मल. सो लेट्स बिगिन जोक्स अपार्ट. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइट पिंक कलर का शेड पिक किया और आपको पूरी आईलेट पे अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से पूरी आईलेट पे उसको बिल्ड करना है. यस यू हर्ड मी राइट. अच्छे से बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेके सिर्फ नीचे के पोर्शन में बिल्ड करते करते ऊपर जाना है, वो भी सेंटर में. यहाँ मैं सेंटर पे अच्छे से लगा रही हूँ, आपको भी अच्छे से लगाना है, पूरा आई शेडो प्रॉपरली लग जाए. आपको ये ध्यान रखना है कहीं भी कुछ गैप मैसीनेस कुछ नहीं रहना चाहिए. फिर अब आपको एक लाइट वाइव खूब फ्लपी वाला ब्रश जो हो आपके पास सबसे, उसको लेके थोड़ा सा एक्सटेंड करनी है चीज़ें. वो लाइट पिंक शेड में अपना एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि इससे क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होकर आपकी आईज थोड़ी सी बिग लगेगी. उसको अगेन बिल्ड करना और थोड़ी इंटेंसिटी को बढ़ाना ताकि पिगमेंटेशन अच्छे से आए. ऑफ कोर्स मेरी ब्रांडेड आई शेडोज नहीं है, सो ये भी एक प्रो टिप है कि अगर आपके पास ब्रांडेड आई शेडो नहीं है तो यस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे यार. फिर इसके बाद आपको जेल आई लाइनर मैंने पिक किया और वही जेल आई लाइनर मैं लगा रही हूँ. अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक ब्रश पिक करना है, उस ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि ऐसा लगे कि वो एक स्मज्ड मर्ज काइंड ऑफ लुक देनी है. एक डिफाइंड और शार्प आईब्रो नहीं देनी है कि हाँ मेरा आईलाइनर पूरा शार्पली लगा हुआ है, तो वो नहीं अच्छा लगेगा. यहाँ पे हम स्मोकी आई ऐसे ही क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रश पे एक ब्लैक कलर का आई शेडो लिया और उस ब्लैक कलर के आई शेडो से धीरे धीरे उस इल्यूजन जो हम क्रिएट कर रहे थे उसको थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ब्राउन आई शेडो के साथ मिक्स हो जाए. लोअर लैश लाइन पर भी वही सेम चीज़ की हुई, पहले थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लगाया, उसके बाद फ्लफी ब्रश से ब्राउन पिंक वाला आई शेडो हमने लगाया और उसको पूरा कॉर्नर्स तक लगाया. यहाँ मैंने टेप लगाया ताकि एक स्लीक और शार्प लाइन ड्रॉ हो. फिर उसी को रिपीट करते हुए फिर से हमने लगाया. अब देखिए आपको क्या करना है, सारी ब्लेंडिंग हो गई. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक डार्क ब्राउन, जो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन डीपेस्ट डार्क ब्राउन कलर था वो लिया पैलेट से. यहाँ मैंने पैलेट्स की क्लिप्स मिस हो गई मुझसे, उसको लगाया. उसके बाद अब उसी को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. अब देख सकते हैं आप मेरा आईलाइनर कहाँ पे मैंने लगाया था, अब उसकी स्मोकीनेस कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया. अब फिर से आपको वही अपना जेल लाइनर लेना है और अब इस टाइम पे आपको एक शार्प लाइन ड्रॉ करनी है ताकि अच्छा सा शार्प लाइन बने. फिर आपको क्या करना है, ग्लिटर पैलेट से कोई भी ग्लिटर आई शेडो, यहाँ पर मैंने शैम्पेन कलर का आई शेडो लिया था, शैम्पेन ब्राउन काइंड ऑफ आई शेडो था, वही लगा लिया. उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं सब चीज़ें ब्रश अप कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा था कम ज़्यादा है उसको सही कर रही हूँ. आपका आई मेकअप है यार, आप जो चाहो, कोई ऐसा परफेक्ट रूल नहीं होता कि आप बाद में ही आप लगा सकते हो. आप पहले ही ब्रश से देखिए इतने अच्छे से नहीं लगा, तो अब मैं दोबारा फिंगर्स की हेल्प से लगा रही हूँ. आप मतलब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. इट्स योर राइट, इट्स योर लुक एंड एवरीथिंग इज़ ऑल योर्स, ओके बिलीव मी. अब देखिए मैं अच्छे से इसको मैंने लगाया, उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने काजल अप्लाई कर लिया, आपको भी इसी तरीके से अच्छे से वेल डिफाइंड काजल अप्लाई करना है. अब यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है. कैन यू गेस द ब्रांड, आप गेस करिए. तब तक ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेट हाइलाइटर है. लिक्विड हाइलाइटर इतना सीमलेस लगता है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू, इससे अच्छा लिक्विड हाइलाइटर मैंने नहीं देखा. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट फ्रॉम रेयर ब्यूटी. येस मैं यहाँ पे चीपेस्ट ऑप्शन आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी पॉकेट पे लोड ना पड़े. सो ऑफ कोर्स ये रेयर ब्यूटी से नहीं होने वाला है यार. अब इसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर लगा लिया, लैशेस को कर्ल करेंगे अपन. लैशेस में जब कर्ल रहेंगी तो हमें फॉल्स आई लैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका भी खर्चा हमारा बच जाने वाला है.
जोक्स अपार्ट, आप लोग ने तो बोलोगे फिर कमेंट में कि ये लड़की कितनी कंजूस है। चलिए ठीक है, फिर लैशेस पे मैंने मस्कारा लगा लिया है, यहाँ मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अगेन नो ब्रांड प्रमोशन, में बस यही था तो मैंने यही लगाया। अगर आपके पास कोई और सा हो आप वो लगाइए और खुश रहिए, नो ऑफेंसेस। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्मोकी आई टर्न आउट हुआ है। बिलीव मी द कैमरा इज़ नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू दिस लुक। अगर आपको ये वीडियो है 6 मिनट की, क्योंकि मैंने ओरिजिनल की स्पीड पे ऑलमोस्ट रखी है, कोई स्पीड नहीं बढ़ाई, ताकि आपको टाइम भी एटलीस्ट अंदाज़ा हो सके कि मतलब आपको कितना टाइम लगेगा। ये टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में, लेकिन ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। दिस इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर स्मोकी आई लुक्स। Thanks for watching and I'll see you again in my next one. Till then, bye bye and take care, and let me know in the comment section did you like this or not.